अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस और जुड़ जाए सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? सन रेडिश क्यों अपीयर होता है अर्ली मॉर्निंग में? आंसर, द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन पासिस थ्रू वेरियस डेंसर लेयर्स ऑफ एयर इन द अर्थाज एटमोसफियर बिफोर रीचिंग आवर आइज नियर द होरिजोन। होरिजोन तक पहुँचने से पहले जो लाइट सन से निकल रही हैं वो पास करती हैं वेरियस डेंसर लेयर से। ये लेयर्स एयर में प्रेजेंट होती हैं अर्थाज के एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू लाइट जो कि सन से निकल रही है वो पास करती है होरिजोन तक पहुंचने से पहले। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्लू लाइट एंड लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ गेट स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स नियर द होरिजोन। बहुत सारे ब्लू लाइट एंड वो लाइट जिनकी वेवलेंथ स्मॉल है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से जब तक वो होरिजोन के पास पहुंचते हैं तब तक। देयरफॉर द लाइट रीचिंग आवर आइज इज ऑफ लार्ज वेवलेंथ। इसी वजह से क्या होता है, जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है वो वही पहुंचती है जिसका जो वेवलेंथ है वो लार्ज होता है ब्लू लाइट से या बाकी उन लाइट से जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट है। ड्यू टू दिस द सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसी वजह से जो सन है वो अपीयर करता है रेडिश जब सूर्यास्त होता है या फिर सूर्योदय होता है तब। सो दिस इज द आंसर। बाकी क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सो वहाँ से उन क्वेश्चन को भी ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।